जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना आपको मैं बताऊंगा। ये सूचना है रिलेटेड बिहार के ऐसे नौजवान जो पुलिस विभाग में काम करना चाहते हैं बिहार सरकार के, उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है। एक खुशखबरी क्या है ये मैं आपको ये बताऊं कि बिहार सरकार ने कैबिनेट में पास किया है कि 75,534 मीन्स 75,543 कांस्टेबल की बहाली 2023 में होगी, और इसके लिए जो है जल्द ही अधिसूचना निकलेगी और बिहार गवर्नमेंट इसको निकालेगी। इसी को इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला है और ये जो है इंफॉर्मेशन जो मिला है उसके बेसिस पे आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, और डिटेल आपको कहाँ पे इसका सूचना मिलेगा और आपके लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आपको किसी तरह की जरूरत होगी एजुकेशन से रिलेटेड तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। बिहार पुलिस का जो एग्जामिनेशन होती है पीटी एग्जामिनेशन, उसके में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो वीडियो इसलिए पूरा वीडियो देखिए और फिर समझिए कि आखिर ये वैकेंसी का इंफॉर्मेशन मैं आपको किस बेसिस पे दे रहा हूँ। और साथ ही अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए, और यहाँ पे मैं आपको बिहार पुलिस की जब वैकेंसी पब्लिश हो जाएगी और क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिटेल में दूंगा। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे और इंफॉर्मेटिव लगे आपको इंफॉर्मेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक के नौजवान के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए कि आपका क्या राय है। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि बिहार सरकार ने 20 दिसंबर 2022 को कैबिनेट की मीटिंग की, और इस मीटिंग में जो है बिहार सरकार का जो कैबिनेट है उसने पास किया और या कहिए अप्रूव किया कि 75,534 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 2023 में आएगी और 2023 में इसका सारी चीज होंगे, मिस नियुक्ति जो है 2023 में होगी और बहुत जल्द ही इसकी अधिसूचना जो है निकल जाएगी। मिस अब समझिए, समझ लीजिए कि हो सकता है कि ये दिसंबर महीने के लास्ट तक में भी आ सकता है या फर्स्ट वीक जनवरी में भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ के जो प्रोसेस है उस पे, या फिर जो है बोर्ड जो लेती है एग्जाम CSBC सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जो है ये एग्जाम लेती है इसका या कंडक्ट करती है, वो अधिसूचना निकाली जब गवर्नमेंट के कैबिनेट के तरफ से जो है ये अप्रूव हो गया तो ये डिपार्टमेंट के तरफ से जाएगी, फिर ये रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ जाएगी और फिर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन ये जो है मुझे इंफॉर्मेशन कैसे मिली है मैं आपको बताता हूँ कि ये कैबिनेट में जो पास हुई थी ये पास जो है उस मीटिंग में जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव वो बैठे थे और उन्होंने ही ना इंफॉर्मेशन इनको ट्वीट करके बताया। ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ट्वीट में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि युवाओं के लिए खुशखबरी, बिहार पुलिस में बम्पर बहाली, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित नियुक्ति करने हेतु 75,543 पदों पर पुलिस कर्मियों की सीधी भर्ती होगी। तो आपने देखा कि ये जो है बिहार सरकार में जो डिप्टी सीएम है उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो ये कैबिनेट ने पास किया है और इस कैबिनेट ने जो पास किया इसी के बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने जो है जनता को दिया है। तो यहाँ तो आपने देख लिया कि कैसे इंफॉर्मेशन है। अब जो है अधिसूचना जो निकलेगी उस वो जो है बहुत जल्द ही आपका
जो न्यूज़पेपर है उसमें मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो CSBC के वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको इसका जो है वेबसाइट का URL जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में उस URL को देख के आप फिर जाके जो है वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, या फिर जो है जब इसकी अधिसूचना निकलेगी तो मैं आपको वीडियो के थ्रू जो है आपको इन्फॉर्म भी करूंगा। तो आपने देखा कि ये बहुत ही अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है बिहार के ऐसे नौजवान के लिए जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं और देश के लिए या अपने राज्य के लिए कुछ काम करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में रह के। लेकिन यहाँ पे एक सोचने की यहाँ ये भी बात बता दूं कि ये जो कैबिनेट का डिसीजन है, ये कैबिनेट डिसीजन कितना आगे होगा या कितना इसमें इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये जो है सरकार पर डिपेंड करती है। क्योंकि ये अभी जो है 2022 समाप्त हो चुकी है, 2023 जो है में जनवरी सब में ये निकलेगी अधिसूचना। तो गवर्नमेंट क्या तत्पर होगी इसको 2023 में ही लेने के लिए, कि फिर ये जो है खींच के जो है 2025 का जो इलेक्शन है होगा विधानसभा का उसमें ले जाएगी, और या फिर 2024 में जो लोकसभा का है उस तक खींच के ले जाएगी, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं कि ये पब्लिक को जो है जो भी पब्लिक है या जो भी नौजवान है उसको अटैक करने के लिए या उसको जो है अपनी ओर खींचने के लिए गवर्नमेंट जो है या वोट बैंकिंग बनाने के लिए गवर्नमेंट एक जो है पब्लिसिटी कमाने के लिए इसको जो है पब्लिश की होगी, ताकि जो प्रेशर उनके ऊपर है, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ने और फिर तेजस्वी यादव जी ने कि 10 लाख हम बहाली में जॉब देंगे, तो उसमें से क्या विपक्ष वाले बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं कि 10 लाख जॉब अभी तक कहाँ दिया गया है और कहाँ कैसे दे सकते हैं। तो क्या ये केवल पब्लिसिटी है जॉब दिखाने का, या फिर रियलिटी में 75,543 कांस्टेबल का नियुक्ति होगी, ये तो आप समय बताएगा। लेकिन आपको तैयार हो जाना चाहिए और आपको इसके लिए जो है प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। आप फिजिकल का भी जो है ना आपको प्रिपरेशन तैयार चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर गवर्नमेंट की डिटरमाइंड रहेगी या डिटरमाइंड होगी कि हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने के लिए, जैसा उन्होंने लिखा है ट्विटर में, ट्वीट किया है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करना चाहते हैं और जो है पब्लिक का पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो जो रेशियो होगा उसके रेशियो के अनुसार में हम पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल का रिक्रूट करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट डिटरमाइंड होगी तो सही में ये हो सकती है और बहाली जो है ले सकती है विद इन जो है 6 मंथ या विद इन 3 मंथ, जैसे ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट का एक्टिविटी पे। लेकिन कम से कम अगर डिटरमाइंड होगी तो बहुत कम समय में 6 महीने में भी ये रिक्रूट कर सकती है, क्योंकि 6 महीना अगर ये बाद में ले जाएगी तो 2024 से का पोजीशन हो जाएगा, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, फिर उसमें जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन का लग जाएगा, फिर जो वहाँ पे वो रिक्रूटमेंट रुक जाएगी, फिर 2025 खींच के ले जाएंगे अपने वोट बैंकिंग के लिए, तो वो भी तो इसमें परेशानी जो है जो नौजवान है उसके लिए होगा, उस ठगा महसूस करेंगे। लेकिन अब यही देखना है कि ये जो अभी कैबिनेट जो पास किया है और ये अधिसूचना जल्द निकलने वाली है, क्या सही में इस टाइमली रिक्रूटमेंट हो सकती है? अगर टाइमली रिक्रूटमेंट होती है तो ये नौजवान के लिए या बिहार के जो नौजवान है जो पुलिस में जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होगा और बहुत ही अच्छे होंगे कि उनका एक जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा और वो आप अर्निंग अपना चालू कर देंगे, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में का जो पार्ट होता है पुलिस डिपार्टमेंट उसमें अपना सहयोग देना चालू कर देंगे। तो इस वीडियो में इतने, अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में आपने बताया कि आप मेरे वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो जो कमेंट कीजिए, और जो है अगर आप फ्यूचर में पुलिस डिपार्टमेंट का अगर रिक्रूटमेंट होता का अधिसूचना निकलती है और उससे आप जुड़ा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप टाइम टू टाइम मेरे चैनल पर विजिट कीजिए या फिर दूसरा भी वीडियो देखिए। मैं अगर वैकेंसी निकलती है, नोटिफिकेशन निकलती है, इसका कुछ इंफॉर्मेशन निकलती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, भारत माता कीजिए।